ठीक है, हम लोग 1 बजे चालू करेंगे। देखो, आज का जो टॉपिक है ना, बड़ा ही मस्त टॉपिक है, तो परसों जैसा बोरिंग नहीं है, क्योंकि पूरी डेरिवेशन ही है। अच्छा टॉपिक है, तुम्हें दिमाग लगाना पड़ेगा इसमें। और आज है ना, शाम को भी मेरी 7:30 क्लास है, तो अगर अभी किसी का टाइम क्लैश हो रहा हो तो सेम टॉपिक में तब भी पढ़ाऊंगा। अच्छा, इस टॉपिक को तुम लोग है ना मेरे साथ साथ चलना, और कोई भी डाउट आए तो पूछना। उसका रीजन ये है कि थोड़ा इसमें वेक्टर भी इन्वॉल्व है, थोड़ा इसमें डॉट प्रोडक्ट भी इन्वॉल्व है, 6-7 चीजें इन्वॉल्व है इस टॉपिक में, है ना। तो बस चालू करते हैं, 1 सेकंड। तो मैं एकदम बेसिक से चालू करूंगा, वापस बेसिक से, प्योर बेसिक से चालू करूंगा मैं वापस इस टॉपिक को, है ना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लाइन इंटीग्रल की। तो तुम सब अपनी कॉपी में एक टॉपिक डाल लो, लाइन इंटीग्रल, कि लाइन इंटीग्रल का क्या मतलब होता है। टॉपिक डाल लो लाइन इंटीग्रल, है ना। तो अगर मैं बोलूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल, अगर मैं वर्ड यूज करूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल, तो इसका मतलब है कि मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का लेंथ के साथ डॉट प्रोडक्ट कर रहा हूं। अगर मैं बोलूं मैग्नेटिक फील्ड का, अगर मैं बोलूं मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल, तो इसका मतलब मैं मैग्नेटिक फील्ड को डीएल के साथ डॉट प्रोडक्ट कर रहा हूं। तो लाइन इंटीग्रल का मतलब क्या होता है? लाइन इंटीग्रल का मतलब होता है कि लेंथ वेक्टर के साथ क्या करने का? डॉट प्रोडक्ट करने का, है ना। तो याद रखना, तुम्हें ये फॉर्मूला याद है, ई इक्वल टू माइनस डीवी अपॉन डीआर। ये डीआर क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। तो डीवी बेसिकली क्या होता है? डीवी होता है माइनस E डॉट डी आर। तो कोई तुम्हें पूछे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल क्या होता है, तो अपनी कॉपी में इस लाइन को अलग से लिख लो कहीं कहीं पे, कि लाइन, अपनी कॉपी में इस लाइन को अलग से लिख लो कि लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज पोटेंशियल डिफरेंस। अपनी कॉपी में इसको लिख लो कि लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज पोटेंशियल डिफरेंस। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ना। तो वापस, मैंने अब तक क्या पढ़ाया? अब आज का अपना टॉपिक है लाइन इंटीग्रल और एम्पियर सर्किट। लो, तो लाइन इंटीग्रल का मतलब क्या होता तो है? हाँ पूछो। सही, लाइन इंटीग्रल का एक बार मतलब बता सकते हाँ हैं? हाँ मैं वापस वापस समझा रहा हूं। तो जैसे अगर अगर मैं वर्ड यूज करूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लाइन इंटीग्रल का मतलब है कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड और लेंथ का डॉट प्रोडक्ट कर दो। अगर मैं बोलूं कि मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल, तो मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल का मतलब है कि
कि आप मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ का डॉट प्रोडक्ट कर दो। तो किसी का भी लाइन इंटीग्रल का मतलब क्या होता है? लाइन इंटीग्रल का मतलब होता है कि आप लेंथ के साथ क्या कर दो, डॉट प्रोडक्ट कर दो, है ना। और ये एक चीज हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कवर करी थी, ई इक्वल टू होता है माइनस डीवी बाय डीआर। जिसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स याद है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस डीवी बाय डीआर। तो डीवी को अपन क्या लिख सकते हैं? माइनस ई डीआर। अब डीआर है क्या? लेंथ ही तो है। तो लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस। ध्यान से देखो, ई डॉट डीआर किसके बराबर है? डीवी के बराबर है। तो लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस। इसको कहीं स्टार करके लिख लो अपनी कॉपी में कि लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस होता है ना, अगर तुम्हें ये वर्ड नहीं पता हो। तो लाइन इंटीग्रल का मतलब क्या है? लाइन इंटीग्रल का मतलब होता है कि लेंथ के साथ डॉट प्रोडक्ट करने का। एक बार इस स्लाइड पे जो चीज लिखी हुई तीनों, इसको भी लिख लो, इसको भी लिख लो, और इस लाइन को लिख लो एक बार। अब थोड़ा सा है ना, अब से मैं थोड़ा सा स्लो चलूंगा क्योंकि मुझे कोर्स इतना जल्दी भी खत्म नहीं करना है, आराम से चलेंगे धीरे धीरे। लिख लिया? किसी को कोई डाउट तो नहीं है इसमें? किसी का कोई भी डाउट है तो पूछ लो। और किसी का शायद आवाज चालू है यार, प्लीज म्यूट कर दो अपने आप को यार। तो तुम क्या, तुम्हारे इधर की आवाज मेरे तक आती है, मेरे को लगता है हवाएं चल रही है इधर। लिख लिया? तो लाइन इंटीग्रल का मतलब क्या होता है? लाइन इंटीग्रल का मतलब होता है लेंथ वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट करने का, ठीक है। तो इतना तुम्हें याद रखना है। अब अपन आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो जस्ट मैं तुम्हें रिविजन दे रहा हूं, लेट्स रिवाइज डॉट प्रोडक्ट। तो दो वेक्टर का अगर तुम डॉट प्रोडक्ट करते हो ना, ए डॉट बी, तो वो क्या आता है? ए बी कॉस थीटा। और एक बात याद रखना, अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाता है? जीरो। बिकॉज ए डॉट बी इज ए बी कॉस थीटा, और दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो आपका थीटा कितना हो जाएगा? 90 डिग्री, है ना, इसको याद रखना। और अगर दो वेक्टर आपके पैरेलल है तो ए डॉट बी को अपन क्या लिख सकते हैं? ए बी। यहाँ पे ए का मतलब क्या है? इसका मैग्नीट्यूड कितना है? बी का मतलब क्या है? बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है? क्योंकि पैरेलल तो थीटा कितना हो जाएगा? जीरो। और कॉस जीरो कितना होता है? वन। तो बस ये कंसेप्ट डॉट प्रोडक्ट का तुम्हें याद रखना है ना। किसी को कोई डाउट है अब तक? लाइन इंटीग्रल का मतलब क्या होता है? लाइन इंटीग्रल का मतलब होता है कि डीएल के साथ डॉट प्रोडक्ट, लेंथ के साथ डॉट प्रोडक्ट करने का, और ये तुम्हारा डॉट प्रोडक्ट है ना। तो अगर ये तुम्हें क्लियर हो गया है तो अब सब एम्पियर सर्किटल लॉ को ध्यान से सुनना कि एम्पियर सर्किटल लॉ होता क्या है। व्हाट डू वी मीन बाय एम्पियर सर्किटल लॉ? तो मान लो कि ये कोई क्लोज्ड लूप है, तो ये भी किसके लिए एप्लीकेबल है? जो लूप बंद है। और मान लो कि इस लूप में यहां पे आपकी मैग्नेटिक फील्ड है B1, ठीक है, और यहां पे मैग्नेटिक फील्ड इस साइड है, और यहां पे मैं कोई छोटा सा लेंथ वेक्टर लेता हूं DL1। और लेंथ वेक्टर कैसे होता है? लूप के टेंजेंशियल होता है। तो अगर इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करोगे तो क्या आएगा? यह आ जाएगा B1 dot DL1, ठीक है। उसी तरीके से मान लो कि यहां पे कोई छोटा सा लेंथ फैक्टर लेता हूं मैं, वो है DL2, और मान लो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड उस तरफ है B2। तो यहां पे आप लाइन इंटीग्रल निकालो, तो यहां पे निकालोगे तो क्या आएगा? B2 dot DL2। उसी तरीके से मान लो यहां पे आर्बिट कोई पॉइंट है, मान लो यहां पे लेंथ फैक्टर है DL3, और यहां पे मान लो मैग्नेटिक फील्ड है B3। तो यहां पे मैं डॉट प्रोडक्ट करूंगा तो क्या आएगा? B3 dot DL3। तो अगर मैं ऐसा छोटा छोटा, इसको बहुत छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करता जाऊं और सबका लाइन इंटीग्रल निकालूं, मतलब हर छोटी सी लेंथ का लाइन इंटीग्रल, लाइन इंटीग्रल मतलब ये चीज, तो इन सब छोटे छोटे लाइन इंटीग्रल को मैं निकालता जाऊं और इन सबको ऐड करूं, सबको ऐड करूं, तो इसको मैं लिख सकता हूं इंटीग्रेशन ऑफ B dot DL। और इसको मैं लगाऊंगा, इसका मतलब क्या है? इस गोले का मतलब है क्लोज्ड लूप। इस गोले का मतलब क्या है? क्लोज्ड लूप। तो हमने किया क्या? एक लूप लिया, उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड किया, और हर छोटे पार्ट का मैंने क्या करता गया? हर छोटे पार्ट का मैं लाइन इंटीग्रल निकालता गया, और सारे लाइन इंटीग्रल को ऐड करके मैं लिख सकता हूं इंटीग्रेशन ऑफ B dot DL। और इस क्रॉस, इस गोले का मतलब क्या है? कि ये क्या है? क्लोज्ड लूप। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? ये वैल्यू हमें पता पड़ती है एम्पियर सर्किटल लॉ से। तो एम्पियर सर्किटल लॉ क्या बोलता है? एम्पियर सर्किटल लॉ बोलता है कि लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये क्या चीज है? ये है लाइन इंटीग्रल। क्योंकि लाइन इंटीग्रल का मतलब क्या होता है? लाइन इंटीग्रल का मतलब होता है कि मैग्नेटिक फील्ड का डॉट प्रोडक्ट लेने का लेंथ वेक्टर के साथ, फॉर अ क्लोज्ड लूप। लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फॉर अ क्लोज्ड लूप इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स करंट एनक्लोज्ड बाय द लूप। और इस आई का मतलब क्या है? इस आई ई का मतलब है
इस लूप में कितना करंट एनक्लोज्ड है, करंट एनक्लोज्ड बाय लूप। मैं तुम्हें पूरी चीज का मतलब समझाऊंगा, एक बार अपनी कॉपी में इस चीज को लिख लो, और नीचे में यहाँ पे मैं टाइप कर रहा हूँ एम्पियर एम्पियर सर्किट लॉ की डेफिनेशन, तो वो अपनी कॉपी में लिख लो। नीचे देखो मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ, आप लोग अपनी कॉपी में पहले इसको लिख लो, और नीचे मैं जो टाइप कर रहा हूँ उसको अपनी कॉपी में लिख लो साथ साथ। फिर मैं इसे क्वेश्चन करूंगा तो मैं समझ में आएगा क्या चीज है। तो देखो मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ कि लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर अ क्लोज्ड लूप इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स, मतलब ये म्यू नॉट तो मैं लिख नहीं पाऊंगा, इज इक्वल टू एक सेकेंड इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स करंट एनक्लोज्ड बाय द लूप। इसको यूज करेंगे ना तो तुम्हें समझ में आएगा कि इस लूप का मतलब क्या है, इसको यूज करना सिखाऊंगा मैं। तो लिख लो एम्पियर, ये क्या चीज है, ये है एम्पियर सर्किटल लॉ। तो एम्पियर सर्किटल लॉ क्या बोलता है, एम्पियर सर्किटल लॉ ये बोलता है कि लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर ए क्लोज्ड लूप इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स करंट एनक्लोज्ड बाय द लूप। एक्सक्यूज मी सर, हाँ पूछो। मैं ये पूछ रहा था यू नॉट का मतलब क्या होता है। ये म्यू नॉट मतलब होता है परमियाबिलिटी, इस म्यू नॉट का मतलब होता है परमियाबिलिटी। तो एप्सिलॉन नॉट था ना, वो परमिटिविटी था। दोनों में डिफरेंस क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड में परमिटिविटी आता है और मैग्नेटिक फील्ड में परमियाबिलिटी आता है, दोनों का लॉजिकल मतलब सेम है। कि परमिटिविटी मतलब वो इलेक्ट्रिक फील्ड को परमिट करेगा कि नहीं करेगा पास करने के लिए, और परमेबिलिटी मतलब वो पास करने के लिए, मतलब दोनों का लॉजिकल मतलब सेम है लेकिन नाम अलग है। क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड में हम परमिएबल वर्ड यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में हम परमिटिविटी वर्ड यूज करते हैं। तो एम्पियर सर्किटल लॉ का मतलब क्या है, इसकी डेफिनेशन लिख लो, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर ए क्लोज्ड लूप इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स करंट एनक्लोज्ड बाय द लूप। तो म्यू नॉट इनटू आई एनक्लोज्ड। अब आई एनक्लोज्ड कैसे निकालते हैं, पहले हम उस पर बात करेंगे फिर अपन लाइन इंटीग्रल की बात करेंगे। ठीक है, ये लिख लिया सबने, किसी को इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो, एक बार इस डेफिनेशन को लिख लो। अभी इसका एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे ना तुम्हें समझ में आ जाएगी कि एम्पियर सर्किटल लॉ है क्या चीज है। आई अज्यूम तुम लोगों ने लिख लिया होगा। ओके, तो अब सुनो, मान लो कि ये कोई लूप है, अजीब सा लूप है, और यहाँ पे एक वायर में मान लो करंट जा रहा है अंदर, मान लो इस वायर में करंट आ रहा है बाहर की तरफ, सपोज करो इस वायर में करंट आ रहा है बाहर की तरफ, पर इस लूप का नाम है L1। अब यहाँ पे करंट है तो आसपास मैग्नेटिक फील्ड होगी। मैं पूछूं कि इस लूप के लिए इंटीग्रेशन ऑफ B.dl की वैल्यू क्या होगी, और यहाँ पे लिखा है लूप 1, तो इसका फॉर्मूला क्या आएगा, म्यू नॉट आई एनक्लोज्ड। अब ध्यान से देखना आई एनक्लोज्ड कैसे निकालते हैं, जो करंट बाहर की तरफ है उनको पॉजिटिव लेने का तो I2 + I3, और जो करंट अंदर की तरफ है उनको नेगेटिव लेने का तो -I1। तो आपको कोई पूछे कि बताओ लाइन इंटीग्रल की वैल्यू क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लाइन इंटीग्रल फॉर लूप L1, तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, म्यू नॉट I2 + I3 - I1। आया तुम्हें समझ में। और करंट एनक्लोज्ड मतलब आपको खाली उसी करंट को देखना है जो इस लूप के अंदर है। मान लो यहाँ पे मैं एक और क्रॉस करके लिख दूं I4, तो इस I4 से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लाइन इंटीग्रल निकालने के लिए कौन सा करंट चाहिए, खाली जो अंदर है ना। तो अपनी कॉपी में एक लाइन लिख लेना कि लाइन इंटीग्रल किस पर डिपेंड करता है, लाइन इंटीग्रल डिपेंड करता है ओनली करंट इनसाइड, जो करंट आपके लूप के अंदर है। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड किस पर डिपेंड करती है, मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करती है ऑल द करंट्स। तो कोई तुम्हें पूछे कि अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो कौन सा करंट मैटर करेगा, चारों, क्योंकि किस यहां मान लो ये वाला पॉइंट है तो इस पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो चारों की मैग्नेटिक फील्ड लेनी पड़ेगी ना। लेकिन अगर तुम्हें इस लूप का लाइन इंटीग्रल निकालना है तो खाली कौन से करंट से मतलब है, जो करंट लूप के अंदर है। लेकिन तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो तुम्हें सारे के सारे करंट लेने पड़ेंगे। तो लिख लो इन दोनों लाइंस को कि कोई तुम्हें पूछे कि लाइन इंटीग्रल किस पर डिपेंड करता है, लाइन इंटीग्रल भाई साहब उन्हीं करंट पर डिपेंड करता है जो लूप के अंदर है। पर कोई तुम्हें पूछे नहीं यार मुझे तो मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, अब बताओ
तो मैग्नेटिक फील्ड अगर तुम्हें लूप के ऊपर निकालनी है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए सारे करंट जिएंगे। लिख लो उसको, इन दोनों लाइन को, कि लाइन इंटीग्रल डिपेंड्स ऑन करंट इनसाइड बट मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स ऑन ऑल द करंट्स। तो अगला क्वेश्चन मैं तुम लोगों को दे रहा हूँ और वो तुम लोगों को सॉल्व करना है। हाँ पूछो। तो ये डॉट का मतलब क्या हुआ? आपने जो ये लिखा है, एक आई वन जो है उस पे एक्स लगा दिया। हाँ ये एक्स नहीं बेटा, इस क्रॉस का मतलब है कि करंट इनवर्ड्स है, मतलब करंट अंदर की तरफ जा रहा है। डॉट का मतलब है करंट आउटवर्ड्स है, करंट बाहर की तरफ आ रहा है। ओके सर। मतलब क्रॉस का मतलब है कि यहाँ पे एक वायर है जिसमें करंट तेरी ना स्क्रीन के अंदर घुस रहा है, और डॉट का मतलब है करंट तेरी स्क्रीन से बाहर आ रहा है। तो जो करंट बाहर की तरफ होता है पॉजिटिव, जो अंदर की तरफ होता है नेगेटिव। ओके सर। ठीक है, किसी को कोई डाउट है अब तक तो पूछ लो। कोई डाउट नहीं है? ओ एक सेकंड, वन सेकंड। कोई डाउट नहीं है तो अब अगला न्यूमेरिकल तुम्हारे लिए। कोई आंसर बोलेगा नहीं, जिसको आंसर आ रहा है अपनी कॉपी में लिखते जाओ। ये एक लूप है, इस लूप का नाम है L1, और इसके अंदर एक और लूप है, इस लूप का नाम है L2। यहाँ पे आपका एक करंट है 2 एम्पियर, यहाँ पे आपका एक करंट है 6 एम्पियर, यहाँ पे आपका एक करंट है 7 एम्पियर, यहाँ पे आपका करंट है 2 एम्पियर, और यहाँ पे अंदर एक करंट है 1 एम्पियर। ठीक है, तो यहाँ पे डॉट मतलब बाहर की तरफ, क्रॉस मतलब अंदर की तरफ। तो आपको बताना है कि इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल फॉर लूप L1 कितना होगा, इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल फॉर लूप L2 कितना होगा। दो चीजें बतानी है, सब सॉल्व करो। इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल फॉर L1, इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल फॉर L2, दोनों कितना होगा। सब सॉल्व करो और टाइप करो, मैं सबका वेट कर रहा हूँ, खासकर जो बहुत ही प्यारे बच्चे हैं जैसे कविश, कविश श्रीवाली, चल चैट बॉक्स में टाइप करके आया इसका आंसर, जल्दी करो सालो, तुम सबसे मुझे 100 में से 100 की उम्मीद है, जल्दी करो। बस किसी का तो रिप्लाई आया है, देवांश म्यू नॉट इंटू 3 एम्पियर। देखो एक बात तुम लोग याद रखना, अगर जब तक तुम कॉन्स्टेंट की वैल्यू पुट नहीं करते हो ना, जैसे म्यू नॉट की वैल्यू पुट नहीं करी, तो फिर तुम लोग ऐसे यूनिट यूनिट मत लगाया करो, है ना। यूनिट कब लगाते हैं, जब सबकी वैल्यू पुट कर दी जाती है। अरे तुम लोगों को आ नहीं रहा है क्या, इतना आसान क्वेश्चन तो है ये भाई, तुम्हें नहीं आ रहा है तो तुम मुझे पूछो यार, प्लीज आस्क यार। लक्षिता बी डॉट डी एल की वैल्यू में म्यू नॉट भी तो आएगा। तो लूप वन को ध्यान से देखो, तो म्यू नॉट टाइम्स करंट एनक्लोज्ड। तो लूप वन के अंदर कौन से करंट है, देखो लूप वन के अंदर 3 करंट है, 2 एम्पियर, 7 एम्पियर, 1 एम्पियर, लेकिन तीनों, अब 2 तो अंदर की तरफ है, 1 बाहर की तरफ है, तो 7 -2 -1, तो इसका आंसर कितना आएगा 4 μ0। और लूप 2 के अंदर तो एक ही करंट है, तो उसका आंसर कितना आएगा μ0 × -1, तो वो कितना आएगा -μ0। आया समझ में? कोई डाउट है तो पूछ लो कि लाइन इंटीग्रल की वैल्यू किसी भी लूप के लिए कैसे निकालते हैं। हाँ हाँ दिव्यांशी पूछो, क्या हो गया दिव्यांशी, आपने हाथ रेज किया है, कोई डाउट है? नो सर, वो बाय मिस्टेक हो गया। ओके अच्छा, सबको समझ में आया लाइन इंटीग्रल में, लाइन इंटीग्रल कैसे निकालते हैं, सबको समझ में आया? तो मैंने तुम्हें अपना जो फॉर्मूला है, हाँ पूछो। म्यू नॉट की वैल्यू हर बार 10^-7 ही रखेंगे या फिर? अरे म्यू नॉट की वैल्यू तो 4π × 10^-7 होती है, म्यू नॉट अपॉन 4π होता है 10^-7, तो म्यू नॉट की वैल्यू कितनी हुई 4π × 10^-7। कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट है, यूनिवर्सल। हाँ भाई कॉन्स्टेंट है, मतलब यूनिवर्सली हुआ ना। आया जिन्हें समझ में आया? Yes, okay. तो अब तुम्हें फॉर्मूले का मैं दूसरा पार्ट यूज करना सिखाता हूँ। तुम लोगों को करंट एनक्लोज में किसी को डाउट है, करंट एनक्लोज में कौन सा करंट लेते हैं जो लूप के अंदर है, आउटवर्ड से तो पॉजिटिव, इनवर्ड से तो नेगेटिव। अब इस क्वेश्चन का दूसरा पार्ट सब ध्यान से देखना। मान लो कि आपकी मैग्नेटिक फील्ड उधर की तरफ है, सपोज करो कि आपकी मैग्नेटिक फील्ड का है उधर की तरफ, और मान लो कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है 20 टेस्ला, और मैंने क्या किया, मैं यहाँ पे एक लूप बना रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, एक ये लूप बनाया मैंने, ये स्क्वायर लूप है। क्या है ये?
एक स्क्वायर लूप है और इस लूप का नाम है ए बी सी डी और इस लूप की साइड लेंथ है 1 मीटर। ठीक है, तो आपको बताना है कि इस लूप के लिए लाइन इंटीग्रल की वैल्यू क्या होगी, मतलब बी डॉट डी एल क्या होगा। फिर आपको बताना है कि इस लूप के अंदर कितना करंट बंद है। अब देखो कैसे करते हैं, अब तुम सब मेरे साथ ध्यान से चलना है ना। तो पहले मैं लिखूंगा इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल और कहां से कहां, ए से लेके ए तक, क्लोज लूप है तो हम चालू भी ए से करेंगे वापस ए पे आके खत्म करेंगे। तो इस इंटीग्रल को मैं 4 पार्ट में तोड़ देता हूं। पहले मैं जाता हूं ए से लेके बी तक, तो मैं लिखता हूं बी डॉट डी एल। फिर मैं जाता हूं बी से लेके सी तक, फिर मैं लिखता हूं बी डॉट डी एल। फिर मैं कहां से कहां जाऊंगा, फिर मैं जाऊंगा सी से लेके डी तक और मैं लिखूंगा बी डॉट डी एल। और फाइनली मैं कहां से कहां जाऊंगा, डी से लेके ए तक और मैं लिखूंगा बी डॉट डी एल। ठीक है, तो अपन क्या कर सकते हैं, अब मैं तुम्हें इस क्वेश्चन में ये निकालना सिखा रहा हूं। याद है लास्ट क्वेश्चन में मैंने उधर वाला पार्ट सिखाया था, अब ध्यान से देखना। आप ऐसे तोड़ सकते हो, अगर आपको कोई लूप दिया है तो आप ए से बी आ जाओ, बी से सी आ जाओ, सी से डी आ जाओ, डी से ए आ जाओ, पर जहां से चालू किया है खत्म वहीं पे करियो। अब ध्यान से देखना, ए से लेके बी तक तुम आ रहे हो, तो तुम ए से लेके बी तक आ रहे हो और मैग्नेटिक फील्ड भी कहां है, उस तरफ है। तो ए से लेके बी तक, ए से लेके बी तक अपन बी डॉट डी एल को क्या लिख सकते हैं, सब ध्यान से देखना। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू देखो, दोनों पैरेलल है, आपका मैग्नेटिक फील्ड भी उधर है, आपका ए से लेके बी भी उधर है, तो कॉस 0 1 हो गया। तो क्या बचेगा, ये बचेगा तुम्हारा बी डी एल और बी की वैल्यू कितनी है 20 और लेंथ कितना है 1, तो 20 × 1 आ गया। ठीक है, अब बी से लेके सी तक ध्यान से देखना, आप जा रहे हो बी से लेके सी पर मैग्नेटिक फील्ड उधर की तरफ है, एंगल कितना है 90 और तो बी से लेके सी तक आपका डॉट प्रोडक्ट कितना हो जाएगा 0, क्योंकि बी और डीएल के बीच में कितना एंगल है 90 डिग्री। उसी तरीके से जब तुम डी से ए जाओगे ना, तो तुम डी से ए जाओगे, मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ है, अभी भी एंगल कितना है 90, तो डी से ए के वाली वैल्यू भी कितनी हो गई तुम्हारी 0। खाली तुम्हारा कौन सा बचा, सी से लेके डी तक। तो आप जब सी से लेके डी की तरफ जाओगे, ध्यान से देखना, आप जा रहे हो पीछे की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड है उधर की तरफ। आप कहां जा रहे हो, आप जा रहे हो पीछे की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड है इधर की तरफ, तो आपका थीटा कितना हो गया पाए। तो यहां पे अगर तुम सॉल्व करोगे कौन सा वाला, सी से लेके डी तक बी डॉट डी एल, इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो यहां पे तुम्हारा आ जाएगा बी डी एल और कॉस 180 कितना होता है -1 सी से लेके डी तक, तो बी की वैल्यू 20 है, तो ये आ जाएगा -20 × 1। तो चारों वैल्यू को तुम ऐड करो, तो 20 + 0 - 20 + 0, तो ये टोटल वैल्यू कितनी आ गई 0 और बी डॉट डी एल 0 है, तो करंट एंक्लोज भी कितना होगा 0। किसी को कोई डाउट है इस क्वेश्चन में तो पूछ लो सर, एक बार वापस करवा दो। हाँ, मैं इस क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन वापस कराता हूँ, एक सेकंड ना, यहाँ पे थोड़ा होस पोस हो गया। तो ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड है, सपोज करो कि आपकी मैग्नेटिक फील्ड है उधर की तरफ, ठीक है, और मैं यहाँ पे एक स्क्वायर लूप बना रहा हूं, वापस वैल्यूज चेंज करा रहा हूं मैं क्वेश्चन। तो मान लो कि मैंने यहाँ पे एक छोटा सा स्क्वायर लूप बनाया, ये स्क्वायर लूप बनाया मैंने, पर स्क्वायर लूप में ए बी सी डी, और मान लो स्क्वायर लूप की जो साइड लेंथ है वो 2 मीटर है और मान लो मैग्नेटिक फील्ड 60 टेस्ला है। ठीक है, तो आपको बताना है कि इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल क्या होगा इस पूरे लूप के लिए ए से लेके ए तक, और एक आपको बताना है कि करंट एनक्लोज कितना होगा। तो यहां पे अपन क्या करते हैं, इस लूप को 4 पार्ट में तोड़ देते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल के मैं 4 पार्ट कर देता हूं, कहां से कहां तक, पहले मैं जाता हूं ए से लेके बी तक और यहां पे लिखो आप बी डॉट डी एल। फिर मैं कहां से कहां जाता हूं, बी से लेके सी तक, यहां पे आप लिखो बी डॉट डी एल। और फिर मैं कहां से कहां जाऊंगा, सी से लेके डी तक, यहां पे आप लिखो बी डॉट डी एल। और फाइनली मैं कहां से कहां जाऊंगा, डी से लेके ए तक, फिर आप लिखो बी डॉट डी एल। और आप क्या करना है, इन चारों वैल्यू को प्लस कर देना, इन सबको प्लस कर देना। अब एक एक करके निकालते हैं, ध्यान से देखो, अगर तुम इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो तो ए से लेके बी तक तुम जा रहे हो, तो लेंथ वेक्टर भी उधर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड भी उधर की तरफ है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना है 0। तो अपन कितनी वैल्यू लिख सकते हैं, अपन लिख सकते हैं 60 × 2, कोई डाउट तो नहीं है। फिर बी से लेके सी तक ध्यान से देखो, लेंथ इधर है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो एंगल कितना है 90, तो कॉस 90 कितना हो जाएगा, तो ये वैल्यू कितनी हो गई 0। अब सी से लेके डी तक ध्यान से देखो, आप सी से डी जा रहे हो पर मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट है, तो एंगल कितना हो गया 180, तो इसको अपन कितना लिखेंगे 60
क्योंकि बी की वैल्यू 60 है, लेंथ 2 है, cos 180 कितना आता है माइनस 1, और वापस ये भी कितना हो जाएगा 0, क्योंकि डी से लेके ए तक आप ऐसे जाओगे पर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, वापस परपेंडिकुलर है, तो इन चारों को ऐड करो तो आपका कितना आएगा 120 माइनस 120, तो ये तो आ गया 0, और इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल क्या होता है म्यू नॉट आई एनक्लोज्ड, तो ये 0 है, तो इक्वल टू म्यू नॉट आई एनक्लोज्ड, मतलब आई एनक्लोज्ड भी क्या हो गया 0, मतलब इस लूप में टोटल करंट एनक्लोज्ड कितना है 0। कोई डाउट है अब तक तो पूछ लो। इस क्वेश्चन में किसी को कोई भी डाउट है तो पूछ लो, अगर डाउट नहीं है तो अगला क्वेश्चन अब तुम लोग ट्राई करो, है ना, तुम्हें अपना पता पड़ेगा डाउट है कि नहीं है। तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से, तो यहां पे तो 20 टेस्ला है और यहां पे नीचे आपकी मैग्नेटिक फील्ड पीछे की तरफ है, मतलब यहां पे नीचे आपकी मैग्नेटिक फील्ड का है पीछे की तरफ, और ये आपको कितनी दे रखी है 30 टेस्ला। और अब आपका जो लूप है वो ऐसा है, तो आपका जो लूप है वो ये रहा, अभी भी स्क्वायर लूप है, 2 मीटर इसकी साइड लेंथ है, ए बी सी डी। अब आपको बताना है कि इंटीग्रेशन ऑफ ए से लेके ए तक, मतलब एक तो आपको बताना है कि बी डॉट डीएल की वैल्यू कितनी होगी, एक आपको बताना है कि करंट एनक्लोज कितना है। सब सॉल्व करो, अब सब ट्राई करो, आसान क्वेश्चन है, ट्राई करो, लेकिन ध्यान से देखो, मैंने नीचे मैग्नेटिक फील्ड उल्टी कर दी है और वैल्यू भी चेंज कर दी है, सब ट्राई करो, देखो इसका क्या आंसर आता है। तुम करोगे तो तुम्हें समझ में आएगा, देखो सीधी सी बात है, तुम नहीं करोगे तो तुम्हें क्लियर नहीं होने वाला। सब लोग ट्राई करो, दिमाग लगाओ, देखो क्या आएगा इसका आंसर। वात्सल्य 100, कल्पित 100, हाँ देखो कितना आएगा, देखो दो वाले तो उड़ा दो, जो परपेंडिकुलर है उनको तो उड़ा दो, मतलब अगर तुम इसको चार पार्ट में तोड़ोगे तो बी से सी तो आप उड़ा दो 0, और डी से ले भी आप उड़ा दो 0, खाली अपने को कौन सा सॉल्व करना है, एक तो अपने को सॉल्व करना है ए से लेके बी वाला, तो ए से लेके बी में अगर तुम बी डॉट डीएल निकालोगे दोनों पैरेलल है, तो 20 × 2 × 1, और दूसरा कौन सा ले लो, सी से डी ले लो, सी से डी में कितना आएगा बी डॉट डीएल चेक करो, 30 × 2 × 1 ही आएगा, क्यों, क्योंकि आप जा रहे हो सी से डी और मैग्नेटिक फील्ड भी उधर है, तो ये तो आ गया तुम्हारा 40, ये आ गया तुम्हारा 60, तो टोटल बी डॉट डीएल कितना हो गया 100, और 100 इक्वल टू कितना पुट करना म्यू नॉट आई एनक्लोज्ड, तो तुम्हारा आई एनक्लोज कितना आएगा 100 upon μ0 ampere के लिए लगाना है, 100 upon μ0 आएगा। कोई डाउट है किसी को, ये क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व हुआ, अब तक किसी को कोई भी डाउट है तो पूछ लो, कोई भी डाउट है तो क्लियर कर लो कि ये क्वेश्चन कैसे हुआ। तो तुम्हें है ना अब एम्पियर सेक्टर लॉ की लेफ्ट हैंड साइड भी सॉल्व करना आ गई, तुम्हें एम्पियर सेक्टर लॉ की राइट हैंड साइड भी सॉल्व करना आ गई, किसी को अब कोई भी डाउट है तो पूछ लो, अब कोई डाउट नहीं है तो फिर अपन आगे बढ़ते हैं, कोई भी डाउट है तो पूछ लो, मुझे कोई जल्दी नहीं है, कोई भी डाउट है तो क्लियर कर लो, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। ओके, मैं अज्यूम कर रहा हूं कि तुम लोग सर एक बार फिर से रिपीट कर सकते हो। हां दिख दिव्यांशी, दिख बी से लेके सी तक अगर तुम आओगे, देख बी से लेके सी तक अगर तुम आओगे तो ऐसे आना पड़ेगा, और तेरी मैग्नेटिक फील्ड इधर है तो एंगल 90 है, तो बी से लेके सी में तो तुम्हारा लाइन इंटीग्रल कितना हो जाएगा 0, उसी तरीके से डी से लेके ए में भी क्या हो जाएगा 0, खाली अपने को कहां से कहां मिलेगा, एक तो ए से लेके बी तक मिलेगा, एक अपने को सी से लेके डी तक मिलेगा, तो मैंने ए से लेके बी तक निकाला, देख बी डॉट डीएल क्या हो जाएगा बी डीएल कॉस 0, तो मैग्नेटिक फील्ड 20 है, लेंथ 2 है, cos 0 1 है, और C से लेके D में लेंथ भी पीछे की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड भी पीछे की तरफ है, तो C से लेके D में B DL वापस क्या आएगा cos 0, तो cos 0 1, लेंथ 2 है, और नीचे देख C से लेके D के यहां मैग्नेटिक फील्ड कितनी 30, तो B की जगह मैंने कितना पुट किया 30, तो ये कितना आ गया 60, तो 40 प्लस 60 ऐड करो तो कितना आ जाएगा 100, तो म्यू नॉट आई एनक्लोज 100 आ गया, तो आई एनक्लोज कितना आया 100 upon μ0। कोई भी डाउट है किसी को तो अब तक क्लियर हुआ, तो एम्पियर सेकेंडरी लॉ कोई तुम्हें पूछे कि एम्पियर सेकेंडरी, एक सेकंड ना, कोई तुम्हें पूछे कि एम्पियर सेकेंडरी लॉ से क्या निकाल सकते हो,
तो एम्पियर सेकंड टर्म लॉ से आप लाइन इंटीग्रल निकाल सकते हो, एम्पियर सेकंड टर्म लॉ से आप करंट एंथ लॉस निकाल सकते हो, एम्पियर सेकंड टर्म लॉ से आप मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हो। मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालेंगे उस पर मैं आ रहा हूँ। हाँ, अब किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। तो मैं ये पूछ रहा था कि अगर हम यहाँ पे क्लोज लूप के लिए अगर हम स्क्वायर की जगह सर्कल लें तो। हाँ लेना सर्कल लेके देख, बट सर्कल के लिए फिर तेरे को बहुत हाई फाई इंटीग्रेशन करना पड़ेगा क्योंकि सर्कल के हर पॉइंट पे एंगल अलग होगा। ये क्वेश्चन मैंने बनाया है, है ना। सर्कल क्या यहाँ पे तेरे को अभी भी अब बैक्टीरिया लगा ले क्या फर्क पड़ता है, पर निकालेगा कैसे? इतनी हाई फाई मैथमेटिक्स तुम्हें आती थोड़ी अब तक। नहीं सर इतनी नहीं आती, इसलिए तो वो तो क्वेश्चन ऐसा आएगा ना तो तुम्हें मैं हर कुछ थोड़ी दूंगा ना तुम्हें। ओके, तो किसी का लाइन इंटीग्रल में कोई भी डाउट नहीं है तो अब अपन आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। लिखो अपनी कॉपी में, ये लास्ट टॉपिक है आज का और बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर। एक इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर है और उसके कारण मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो अगर तुम्हें नहीं पता हो तो टॉपिक लिख लो, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर। तो 10th क्लास में ये टॉपिक आता है कि अगर एक इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर है तो उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स होती है ना वो कैसी होती है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होते हैं। ध्यान से देखो, इस तरीके से कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होते हैं और डायरेक्शन कैसे पता करती है, राइट हैंड थंब रूल्स है। तो तुम्हारा जो अंगूठा है वो करंट की तरफ रखो और तुम्हारी जो उंगलियां है वो बताएगी कि तुम्हारी मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगी। तो ध्यान से देखो, आपका करंट ऊपर की तरफ है तो इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है, इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर का डायग्राम अपनी कॉपी में बना लो और यहां पर नीचे लिख लेना, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होते हैं। क्या होते हैं? कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होते हैं, लिख लो इसको। और अगर इसका टॉप व्यू लोगे, हाँ पूछो सर, पर इनफाइनाइट करंट तो होता ही नहीं है। मतलब हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि अपना वायर बहुत लंबा है। इसमें एक और पार्ट आता है फाइनाइट करंट कैरिंग वायर जिसमें वायर छोटा होता है, पर अभी हम बात कर रहे हैं इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर की जिसमें वायर की लेंथ बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो लिख लो, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर, फील्ड लाइंस का शेप कैसा होगा, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होंगे इस तरीके से। और डायरेक्शन कैसे पता पड़ेगी, थंब रूल्स है। थंब रखो करंट की तरफ तो आपकी जो उंगलियां जैसे घूमेगी ना वैसे आपकी मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो जैसे इस डायग्राम में देखो सब, इस डायग्राम में तुम्हारा जो करंट है ना वो बाहर की तरफ है, तो अपनी अपने स्क्रीन पे अंगूठा बाहर की तरफ रखो, देखो तुम्हारी जो उंगलियां है ना वो इसी तरीके से रिप्रेजेंट हो जाएगी। देखो अपनी स्क्रीन पे थंब को अंगूठा का बाहर रख के देखो, आपकी उंगलियां इस तरीके से आएगी जिस तरीके से मैंने एरो बना रखे। और याद रखना, अगर आपका करंट अंदर की तरफ है तो क्लॉकवाइज होती है, अगर करंट बाहर की तरफ है तो एंटी क्लॉकवाइज होती है। जैसे इस फिगर में देख लो तुम, इसको बना लो अपनी कॉपी में। तो कोई तुम्हें पूछे कि इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड लाइन का शेप कैसा होता है, तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होते हैं। और अगर करंट बाहर की तरफ है तो एंटी क्लॉकवाइज, अंदर की तरफ है तो क्लॉकवाइज, इस तरीके से पता करते हैं। किसी को कोई डाउट है इसमें? कोई डाउट नहीं है। हाँ ये नोट कर, मिनट नोट कर। ओके सर डन। ओके सो आज की न्यूज पढ़ी कि नहीं पढ़ी तुम्हें? आज 70 पॉजिटिव मिले, 70 पॉजिटिव। ओके सो बस ये डेरिवेशन। हाँ आज उदयपुर में 70 पॉजिटिव है, 6 डेथ हो गई है सुबह से, इसलिए मैं खुद भी अभी एक डेथ सेरेमनी से आ रहा हूँ। सो इट्स रियली वेरी रिस्की नाउ, तो प्लीज बच के रहना सब, बहुत गंदी बीमारी है ये। अच्छा ये डेरिवेशन मैं करके बता रहा हूँ तुम्हें, मैं तुम लोगों को करके बता रहा हूँ डेरिवेशन। तो मान लो कि ये कोई एक करंट कैरिंग वायर है, ये बीच में जो तुम्हें डॉट दिख रहा है ना, और मान लो कि मुझे यहां से r दूरी पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो अभी हमने देखा कि मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी, इस तरीके से होगी एंटी क्लॉकवाइज। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, इस तरीके से। और यहाँ पे अगर तुम कोई छोटा सा लेंथ फैक्टर लोगे ना तो वो भी क्या होगा, उस तरफ ही होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड भी इधर और लेंथ फैक्टर भी इधर। तो अगर मैं एम्पियर सेकंड टर्म लॉ पुट करूंगा तो इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल विल बी इक्वल टू म्यू नॉट आई एनक्लोज्ड। तो अगर तुम
इसको ओपन करोगे तो ये आ जाएगा बी डी एल कॉस जीरो इक्वल टू, और ध्यान से देखो तो इस गोले में कितना करंट बंद है, मान लो ये करंट है आपका आए तो म्यू नॉट आए। अब अगर तुम सिमेट्री से देखो तो वायर से चाहे आर डिस्टेंस यहां पे आओ, चाहे आर डिस्टेंस उधर जाओ, चाहे आर डिस्टेंस उधर जाओ, चाहे आर डिस्टेंस इधर आओ, सब जगह आपकी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, सब जगह मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू सेम ही होगी। बी मान लो कि तुम यहाँ पे खड़े हो, है ना, तुम मान लो यहाँ पे खड़े हो और तुम्हारे हाथ में कोई टॉर्च है, तुम्हारे हाथ में क्या है टॉर्च, वो सब तरफ बराबर लाइट फेंक रही है सब तरफ, तो अगर तुम यहाँ पे खड़े हो, यहाँ पे खड़े हो, यहाँ पे खड़े हो, सब पे बराबर लाइट ही पहुंचने वाली है, तो इसलिए बी यहाँ पे क्या है कॉन्स्टेंट, तो बी को आप निकाल लो बार, अंदर बचेगा खाली डीएल इक्वल टू क्या आ जाएगा म्यू नॉट आई, और खाली डीएल का इंटीग्रेशन क्या होता है लेंथ, और इस सर्कल का सर्कमफेरेंस कितना है 2 पाई आर, तो बी इंटू 2 पाई आर इक्वल टू क्या आ जाएगा म्यू नॉट आई, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। तो याद रखना कि एक इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर के करंट का डेरिवेशन है वो है ये, तो इसको लिख लो अपनी कॉपी में, वैसे ये लिख लो अपनी कॉपी में इस तरीके से। तो एक इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर के कारण आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, है ना, और यहाँ पे वैल्यू तो ये है, और डायरेक्शन कैसे पता पड़ता है, डायरेक्शन पता पड़ता है राइट हैंड थंब रूल से, लिख लो इसको अपनी कॉपी में, इसको अपनी कॉपी में लिख लो, और अब कोई भी डाउट है तो पूछ लो। तो नेक्स्ट क्लास में भी मैं यही टॉपिक लूंगा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट वायर और फाइनाइट वायर, है ना, नेक्स्ट क्लास में फाइनाइट वायर और सोलेनोइड, छोटे छोटे टॉपिक कराऊंगा मैं रोज, तुम्हें बड़े बड़े टॉपिक नहीं कराऊंगा, है ना। तो कोई भी डाउट है तो आप पूछ लो, क्योंकि ज्यादा मीटिंग बड़ी बची नहीं है, टाइम होने वाला है। मेरा डाउट है। हाँ भाई तू तेरा डाउट तो मुझे लिख के भेज दे। तो बेसिकली मेरे को खांसी हो गई है, होप सो आई एम नॉट पॉजिटिव, इट विल सून सर। ओके पीपल, सर डॉक्टर को दिखा दो। अरे दिखाऊंगा तो पटक देगा वहां ले जाके मेरे को, फिर तो ये क्लास नहीं होगा। दिखा दे एक सेफ्टी के लिए, दिखा दो। सिंपल कब भी हो सकता है। चलो भाई तुम बातें मत करो, और अब किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, वरना आज मैं तुम्हें एक लाइन इंटीग्रल का बढ़िया तुम्हें क्विज भेज रहा हूँ, प्लीज करो, है ना, हाथ जोड़ रहा हूँ तुम्हारे, करो सालो करो, मैं वेट करता हूँ किसी का रिप्लाई आएगा, बहुत बढ़िया लगेगा, किसी किसी का आता भी है, इट्स नॉट लाइक कोई नहीं करता है, जो नहीं करते वो भी करो, है ना। आज मैंने ज्यादा टॉप बड़ा लंबा नहीं पढ़ा है, चार क्वेश्चन भेज रहा हूँ, खाली चार तुम करके भेजो, है ना। ओके पीपल, अब किसी को कोई डाउट नहीं हो तो तुम लीव कर सकते हो, ये स्लाइड मैं तुम्हें भेज रहा हूँ आज की, है ना, आज की स्लाइड इंपॉर्टेंट है, भेज रहा हूँ, और रिकॉर्डिंग भी मैं अपलोड कर दूंगा और क्विज भी भेज दूंगा, ठीक है। और कोई डाउट हो तो पूछ लो, शाम को 7:30 सेम क्लास है, अटेंड मत करना अगर तुमने अभी कर लिया तो, सेम क्लास है। सर रे ऑप्टिक्स का पेपर भेजो ना। हाँ देखो भेज दिया तेरा, वो चेक करना व्हाट्सएप, देखो भेज दिया मैंने। अच्छा सर आया नहीं शायद, देखता हूँ। हाँ पीडीएफ भेज दिया तेरे को, भेज दिया है तो थोड़ी देर पहले ही भेजी यार, मैं क्या थोड़ा सुबह से अपसेट था। ओके पीपल चलो एंजॉय यार, बाय बाय। ओके सर, थैंक यू सर, गेट वेल सून।